नमस्कार, मैं नीति सन। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों सहित 9 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाने का काम किया करते थे, जिसके चलते सूचना के आधार पर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसा कर उनसे नकदी ऐंठ लिया करते थे, जिसके चलते साइबर पुलिस की टीम ने इन आरोपियों के पास से अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस की टीम ने कैसे गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। ये आरोपी शास्त्री पार्क इलाके की गली नंबर 3 में इस फर्जी कॉल सेंटर को चला रहे थे। साइबर पुलिस की टीम ने शिकायत मिलने के बाद यहाँ पर छापेमारी की और 9 महिलाओं व 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, 8 से लेकर 12,000 रुपये की तनख्वाह में महिलाएं यहां पर काम करने के लिए आती थी। वहीं 10% इन्हें कमीशन भी दिया जाता था। अभी तक इन लोगों ने करीब 200 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इनके निशाने पर OLX या वर्किंग ऐप जो होते हैं, उनके ज़रिए लोगों को ट्रेस किया करते थे और फिर उनको एयर इंडिया या किसी अन्य विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर उनके साथ ठगी किया करते थे। इनके पास से फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर व लैपटॉप, 12 मोबाइल फ़ोन व कुछ अहम दस्तावेज भी साइबर पुलिस की टीम ने बरामद किए हैं। वहीं साइबर पुलिस की टीम का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके बाकी साथियों का भी गिरफ्तार होना मुआजिब है, क्योंकि ये तार राजधानी दिल्ली में कई जगह फैले हैं, जिसको काटने के लिए अब दिल्ली पुलिस के कई विभाग सक्रिय हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी लोगों की तलाश में भी साइबर सेल की टीम व साइबर पुलिस की टीम लगातार इलाके में छापेमारी जारी किए हुए है। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।